हरियाणा पंजाब मधील शेतकऱ्यांनी कृषी कायदा विरोधात दिल्लीतील सीमेवर जोरदार आंदोलन सुरू केले. त्या शेतकऱ्यांशी चर्चा केली आमचे प्रतिनिधी रामराज शिंदे. दिल्ली हरियाणा बॉर्डर वर आपण आहोत. इथे शेतकरी आलेले आहेत मोठ्या प्रमाणामध्ये. हमारे साथ यहाँ के पूरे किसान है. ये झंडा देख रहे हैं, ये झंडा लेकर सब किसान जो है यहाँ पे आए हैं. मुझे बात बताए, कहाँ से आया? फरीदकोट से. फरीदकोट से. क्या आपकी डिमांड क्या है, मांग क्या है? हमारी मांग यही है जी, सानू साढ़े हक दिते जाने जी. साड़िया फसलों का रेट किसान आप तय करेंगे जी, सरकार नहीं करनिया, जा कोई वड्डा व्यापारी नहीं करूंगा. अगर ये किसानों के हक में फैसला होता तो किसान पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से इतनी दूर चलकर अपने जेब से खर्चा करके यहाँ क्यों आता? अगर ये हक में होता तो. ये हमारे बिल्कुल हमारी जमीनों पे कब्जा करने के लिए कॉरपोरेट घरानों की जो गोदी में मोदी बैठ गया है, उसने हमें दबाने के लिए फैसला किया है. लेकिन हम पंजाबी, पंजाब के और हरियाणा के लोग इससे दबने वाले नहीं हैं. इसको दबा के हम जहां से जाएंगे तब तक हम 6 महीने का राशन पानी साथ लेके आए हैं. हमारे लिए लेकर आया है 3 करोड़. हम बोल रहे हैं कि हमें चाहिए ही नहीं. मोदी को ज्यादा पता है, खेती करता है खेतों में भी. हम खेती करते, हमें पता है क्या कानून हमारे लिए अच्छा है क्या बुरा है. सारी दिल्ली को चारों तरफ से बंद करेंगे, जैसे हमारी यूनियन कहेगी वैसा करेंगे. किसानों के साथ खड़े रहेंगे यहाँ पर पूरा. जब पानी बंद होगा ना दिल्ली को, तब दिल्ली को पता चलेगा जो 3 महीने से पंजाब में आंदोलन चलता था उसका क्या मतलब होता है. हम यही चाह रहे हैं कि मोदी सरकार जो है इस 3 काले कानून जो है वापस ले. अगर ये वापस नहीं लेती तो आपको पता है ये जो युवा है, ये किसान है, सब सड़कों पे आ चुके हैं. और इन्होंने एक ही बात डाल ली कि जितना चिर आप काले 3 कानून वापस नहीं लेते उतना चिर हम यहाँ से जाएंगे नहीं है और ना ये जाने वाले ही है. ये यही रहेंगे. ये कृषि के 3 बिल के अलावा ये 2 बिल और, एक तो पराली का, इन्होंने करोड़ रुपया. यार किसी के पास तो इतनी जमीन नहीं है किसान के पास, करोड़ रुपया इनको कहां से हम देंगे. करोड़ रुपये वाला वो पराली वाला और उसके साथ में बिजली सोध बिल 2020 वो भी जेल ला रहे हैं. हम किसी बिल का नहीं मानेंगे इसके इनके. तब तक आप पीछे नहीं हटेंगे? नहीं हटेंगे, कभी नहीं हटेंगे. हटने के लिए नहीं, मुर्दाबाद मोदी सरकार, मुर्दाबाद. अब पंजाब का हर एक नौजवान यहां आ रहा है, किसान भी आ रहे हैं. आज मोगा से और हमारे पंजाब से 10,000 ट्राली आ रही, मोगा से 300 ट्राली आ रही है, पंजाब से 10,000 ट्राली यहाँ पे आ रही है. तो आप ये सोच लीजिए, अभी तो तीसरा हिस्सा आया है, अगर बाकी में 2 हिस्से आ गए तो यहाँ क्या बनेगा. हम ये बिल जो रद्द, हम ये बिल रद्द करवा के ही हटेंगे, करवा के ही हटेंगे. ये जो बिल है या बिल विरोध करना आणि इथे आंदोलन आमचं सुरू झालं, जोपर्यंत बिल माग घेतलं जात नाही असं स्पष्टपणे इथल्या आंदोलनकर्त्याचं आहे. कॅमेरामॅन राजेश, रामराजे शिंदे, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर.